घूम रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की, मगर महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपना नाम पता बताने में असमर्थ रही, जिसको पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर परिजनों के बारे में पूछताछ की। International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने रविवार को मानसिक रूप से पीड़ित महिला को उसके बेटों के सुपुत्र किया। सदर थाना हेड कांस्टेबल श्री राम ने बताया कि गत 1 सितंबर की रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि रामपुरा न्यारा में एक संदिग्ध महिला घूम रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की, मगर महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपना नाम पता बताने में असमर्थ रही, जिसको पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर परिजनों के बारे में पूछताछ की। लेकिन उक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण हर बार अपना अलग अलग नाम पता बता रही थी। महिला की भाषा के आधार पर उदयपुर के पुलिस थाना मावली, फतेहनगर, बिंडर व सराड में महिला के फोटोग्राफ के जरिए व्हाट्सएप भेजकर महिला के परिजनों की तलाश हेतु प्रयास किए गए, जिस पर उक्त महिला की पहचान पुष्पा देवी पत्नी गंगाराम मावली निवासी के रूप में हुई। मावली थाने के जरिए उसके पुत्रों से संपर्क कर नसीराबाद बुलाकर रविवार को उनके सुपुत्र किया गया। पुष्पा देवी के बेटे मुकेश ने सदर थाना पुलिस को बताया कि मेरी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के वजह से 31 अगस्त को अपने घर से बिना बताए ट्रेन में बैठकर निकल गई, जिसकी हमने काफ़ी तलाश की मगर नहीं मिली। महिला के परिजनों ने सदर थाना पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया।